हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z7 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आप कभी भी कॉल करते हैं तो कॉल करने पे आपके फ़ोन की जो डिस्प्ले है ये ऑफ हो जाती है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आप जो है कॉल करते हैं तो कॉल करने पर आपके फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाती है, तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इसके सॉल्यूशन के लिए आपको जो है अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना है। ठीक है, फ़ोन को रिस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है। इससे क्या होता है कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाता है। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है हैंग करता है, कॉल करने पर डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन का जो कॉलिंग का ऐप है, ये जो कॉलिंग का ऐप है इसके डेटा को आपको क्लियर करना है, यानी कि इसको रीसेट कर देना कॉलिंग के ऐप को। कैसे करेंगे, देखिए इस कॉलिंग ऐप को उंगली से दबा के रखिए, एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा, इस पेज में आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा, या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन बना हुआ है इसे टैप करना है, तो आपका ना ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपको नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज टैप करना है, तो आपका डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट का बटन टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये कॉलिंग का ऐप रीसेट कर देना है, यानी कि डेटा क्लियर कर देना, तो आपकी जो कॉल करने पे डिस्प्ले ऑफ हो जाती है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सिस्टम है ना वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉयड सिस्टम में कुछ कमियाँ आने लगती है। तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो सिस्टम है वो अपडेटेड है या नहीं आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको पहले तो मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप करना है। सिस्टम अपडेट के इस वाले पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का जो सिस्टम है वो आपका अपडेट हो जाएगा और आपकी जो कॉल करने पर डिस्प्ले ऑफ हो जाती है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहां पर जो है दोस्तों आपको अब आखिरी प्रोसेस करना यह है कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है। ठीक है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस में से अगर कोई भी काम नहीं करते हैं तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज आपको अपने फोन को रीसेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा इसे टैप करना है, इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करना है। आपका मोबाइल फोन जो है वो रीसेट हो जाएगा और आपकी जो कॉल करने पर डिस्प्ले ऑफ हो जाती है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आपको किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लेना है या उसका बैकअप ले लेना है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, सारे प्रोसेस यूज करिए तो आपकी जो कॉल करने पर डिस्प्ले ऑफ हो जाती है ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, जो आपके एरिया के आसपास होगा, वहां पर आपको चले जाना, अपना फोन वहां पर दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी आपको सॉल्यूशन बताए हैं ना वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।